सॉरी फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मुझे एक चीज़ बोलना था कि मेरे को नोज पीस का भी कलेक्शन शेयर करना है और कैप का भी कलेक्शन, जो इसके नीचे हम लोग पहनते हैं ना कैप, उसका भी कलेक्शन शेयर करना है। देखो ना फ्रेंड्स, मैं वीडियो में गड़बड़ पे गड़बड़ किए जा रही हूँ, मैंने आप लोगों को बोला था। तो अगर आप इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन करते हो तो प्लीज़ ऐसे करना, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज देख सकते हो मैंने थोड़ा सा मेकअप करी हूँ। वैसे कहीं जाती तो मेकअप करती हूँ, बट अभी वीडियो के लिए, स्पेशली वीडियो के लिए मैंने थोड़ा मेकअप किया है। कल मैंने नकाब कलेक्शन का वीडियो बनाया था तो उसमें कुछ भी मेकअप नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा आज दुपट्टा कलेक्शन का वीडियो बनाऊंगी तो थोड़ा सा मेकअप कर लिया जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है। मेकअप में मैंने क्या किया है, वो जो वाइट टोन क्रीम आता है ना, बस वही लगाया है और कुछ फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। और लिपस्टिक लगाया है, काजल लगाया है, आईलाइनर लगाया है और थोड़ा सा हाइलाइटर नोज पे और आईज पे हल्का सा लगाया है बस। तो ये है मेरा लुक। अभी मैं आप लोगों को नकाब बोल रही हूँ, अभी मैं आप लोगों को दुपट्टा कलेक्शन का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। अभी एक एक करके आप लोगों को मेरा दुपट्टा कलेक्शन दिखाऊंगी। मेरा मतलब हम तीनों बहनों का, मम्मी का भी है, मतलब हम चारों का ही दुपट्टा कलेक्शन है, सिर्फ मेरा एक का नहीं है। और कल मैंने आप लोगों को नकाब भी दिखाई थी तो वो सिर्फ एक का नहीं है फ्रेंड्स, वो सबका था। उसमें सबका हम मतलब तीनों चारों, मम्मी को मिला के चार, हम तीन बहन मम्मी को मिला के चार, हम चारों का नकाब था, किसी एक का नहीं था। इसीलिए माशाल्लाह इतना नकाब है, वरना एक का होता तो इतना शायद से नहीं होता। तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना दुपट्टा कलेक्शन दिखाती हूँ। देखो नीचे मैंने इधर साइड में करके रखी हूँ। अभी फ्रेंड्स ये तो बस फिलहाल है, जो कि मैं सिर्फ आपको अभी बांध के दिखाने वाली हूँ। अब बाकी सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से करके दिखा दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और ये देख सकते हो कितना 11:15 हो रहा है और मुझे अभी 1-1.5-2 बजे तक ही कहीं जाना भी है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कहाँ जाने वाली हूँ। ये सिर्फ दुपट्टा कलेक्शन का वीडियो रहने देते हैं, आज जो कहाँ क्या जाने वाली हूँ वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये है मेरा मेहंदी जो कि मैं रात में मेरी बहन लगाई है। सो फ्रेंड्स देख सकते हो, ये है मेरा फर्स्ट दुपट्टा और इसको मैं पिनअप, इसको मैं बांधने जा रही हूँ। ये सिर्फ आप लोग को एक बांध के दिखाती हूँ कि मैं कैसे दुपट्टा बांधती हूँ। ये है सारे पिन जो कि मैं इसके अंदर अटैच करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बांधते हैं फ्रेंड्स, कुछ हार्ड नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मुझे एक चीज़ बोलना था कि मेरे को नोज पीस का भी कलेक्शन शेयर करना है और कैप का भी कलेक्शन, जो इसके नीचे हम लोग पहनते हैं ना कैप, उसका भी कलेक्शन शेयर करना है। वो अलग से वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। तो आपको मैं अभी अपना कैप का कलेक्शन दिखाती हूँ, दुपट्टे का कलेक्शन दिखाती हूँ और साथ में नोज पीस का कलेक्शन दिखाती हूँ। ये तीन का कलेक्शन आपको मैं दिखाती हूँ और ये तीनों पूरे मतलब हम चारों लोग का है, किसी एक का नहीं है। फिर चलो कैप के साथ वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, ये है मेरा दुपट्टा, ब्लैक से मैंने स्टार्ट किया है। और देखो ना मेरे फ्रेंड्स पे वो जो क्या बोलते चिकन पॉक्स हुआ था ना, तो उसका निशान जा ही नहीं रहा है, इतना बेकार लग रहा है ना कि क्या बोलूँ। पूरे फेस पे यही दो, ये तीन दाग दिख रहा है, पता नहीं कब तक जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स कैप पहनती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा फर्स्ट कैप, ये दो कलर में है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखो ना, यहाँ से ना थोड़ी सी सिलाई खुल चुकी है। वैसे ये बहुत मतलब ये थोड़ा पुराना हो चुका है, फिर भी हम जब दुपट्टा बांधते हैं ना तो ये कवर हो जाता तो दिखता नहीं है। अभी ख़राब नहीं हुआ फ्रेंड्स, इसीलिए फेंके नहीं। तो ये है मेरा फर्स्ट कैप जो कि दो कलर में है। इसको पीछे से बांधती हूँ, पीछे से पोनी नहीं डाली ना, पोनी डालती तो बहुत अच्छे से होता है। पोनी मतलब वो जो वो बैक पे बालों में जो रबल ये लगाते हैं ना, पोनी वाला। तो देखो फ्रेंड्स, इसको मैंने बांध लिया है। ये है मेरा फर्स्ट दुपट्टा, फर्स्ट कैप और नोज पीस बांधने के बाद बताऊंगी। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, ये नकाब का दुपट्टा है, ये स्पेशल हमने नहीं खरीदा है। ये जब हम नकाब लिए थे तो उस पे का दुपट्टा है ये। तो सिंपल मैं ना, मैं क्या करती हूँ, ये जो है इसको थोड़ा सा ऐसा हम मोड़ देते हैं। इधर से देखो, मैंने छोटा ली हूँ, इधर से बड़ा ली हूँ, इसको मोड़ते हैं और फिर इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा उठा देती हूँ इसका चोच।
ये देखो फ्रेंड्स, इसके चोंच को यहाँ से ऐसे उठा देती हूँ। ये देखो, आप जितना चाहे उतना उठा सकते हो, बट ज़्यादा भी ना अच्छा नहीं लगता है। पिन संभाल के लगाना, नहीं तो चुक जाता है। फिर ये जो दुपट्टा है, आप यहाँ पे ना ऐसे चुन्नट भी दे सकते हो, बट मैं अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐसे, मैं ऐसे ज़्यादा करके सिंपली बांध लेती हूँ। और यहाँ पे पिन लगा देना। बस इसको ऐसे, ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा फर्स्ट दुपट्टा और कैप कलेक्शन। हम जब इस तरीके से बांधते हैं ना राउंड वाला, तो ये छुप जाता है, और जब ऐसे चोच वाला बनाते हैं ना, तो ये दिखता है। तो जब चोच वाला बनाना रहता है, तो फिर ये वाला कैप नहीं पहनते हैं। बाकी इतना ही तो दिखता है, ये थोड़ी दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये फर्स्ट लुक मेरा कैसा लग रहा है कमेंट करना। पूरा ब्लैक, मैंने ना काफ़ी ब्लैक पहना है, और ब्लैक ना काम तो रहेगा, इसे आपको दुपट्टा और कैप चेंज मिलेगा। तो ये मेरा फर्स्ट लुक कैसा लग रहा है, ब्लैक ब्लैक, ये फर्स्ट लुक। अभी सेकेंड आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? चलो फ्रेंड, सेकेंड लुक के लिए फिर से इसको खोलो, फिर सेकेंड लुक रेडी करो। अभी बस इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स, क्या करो, बट वीडियो भी तो ज़रूरी है, डेली वीडियो बनाती हूँ तो ये भी तो ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लोगों के लिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, स्पेशली आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से 500 करवा दो फ्रेंड्स, हालत ख़राब हो जाती है। ये तो शुक्र है घर में एसी लगी हुई है, वरना अगर फ़ैन चालू कर दी ना फ़ैन के नीचे, तो फ़ैन की आवाज़ आती और फिर वीडियो में डिस्टर्ब होता। इसलिए फिर अच्छा एसी लगा है, तो इतना टेंशन नहीं है। और ये हो गया मेरा फर्स्ट। कल तो मैं, पता है, गर्मी में वीडियो बनाई थी बीच वाले रूम में, क्योंकि यहाँ का एसी इतना ही रूम ठंडा करता है, बीच वाला भी रूम ठंडा करता है, बट इतना नहीं करता जितना ये वाला रूम ठंडा करता है। ज़्यादा करके देखो तो कल मैंने गर्मी में ही बनाई थी, इतना भी गर्मी नहीं था, एसी की वजह से ठंडा था, बट ठीक था। ये वाला ज़्यादा, इस रूम में ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो इसलिए मैं सुकून से वीडियो बना पा रही हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा सेकेंड कैप और सेकेंड दुपट्टा, और ये आगे पूरा नेट है और पीछे पूरा ब्लैक है। तो इसको मैंने पीछे से बांध लिया है, एक ही नोड बांधना था, बस अभी खोलना ही है ना, तो एक ही नोड रहने देती हूँ। और ये है ब्राउन कलर का दुपट्टा, इसको बांधते हैं। ये प्लेन दुपट्टा है फ्रेंड्स, बिल्कुल डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो वाला जो फ्रेंड जॉर्जेट का था ना, तो उसमें ये वाला जो शेप है ना बत्तख वाला, वो सही से बना नहीं था, क्योंकि पता है फ्रेंड्स, किसी किसी में ना ये वाला शेप अच्छा बनता नहीं है, कोई कोई दुपट्टे में, और ये दुपट्टे में अच्छे से बन रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगेन इसको पिन लगाएंगे इस तरीके से, थोड़ा सा लूज हो गया, और इसको बस इस तरीके से रखूंगी मैं। यहाँ पे एक पिन लगा दूंगी, बस बस। और ये देखो, आगे से हमारा पूरा कवर हो जाता है, एकदम परफेक्ट है ये वाला भी। आप इसको ऐसे ऐसे राउंड भी कर सकते हो। ये देखो फ्रेंड्स, ये दुपट्टा बड़ा है ना, ये देखो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये पूरा अपना यहाँ तक के पेट के नीचे तक, ये देखो पूरा अच्छे से कवर कर रहा है, और बैक पे भी देखो, बैक पे भी आपका अच्छे से कवर कर लेगा अगर। और ये है मेरा सेकेंड लुक फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है कमेंट करना। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है मेरा सेकेंड लुक, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये अच्छा दुपट्टा है, पूरा कवर कर लिया, कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये मेरा सेकेंड दुपट्टा और सेकेंड कैप, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना।
देखो ना फ्रेंड्स, मैं वीडियो में गड़बड़ पे गड़बड़ किए जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को बोला था मैं नोज फेस का भी दिखाऊंगी कलेक्शन, बट मैंने दो वीडियो बना लिया, उसमें नोज फेस दिखाए ही नहीं। बट अभी याद है इस वीडियो से, ये वाले, ये थर्ड वाले दुपट्टा और नकाब के साथ मैं आपको नोज फेस का भी कलेक्शन दिखाऊंगी बांध के, वो भी ठीक है। तो ये मेरा थर्ड कैप है जो कि राउंड शेप में है। नहीं, मुझे लगा मैंने उल्टा पहन लिया क्या। तो ये पूरा राउंड है, कोई डिज़ाइन नहीं है, बस ब्लैक पे ब्लैक नहीं बांधती, दूसरा कलर बांधती हूँ, इसको मैं बाद में बांधूंगी। ये देखो फ्रेंड्स, प्लेन कैप और ये मेहरून कलर का दुपट्टा, ये जॉर्जेट का दुपट्टा है फ्रेंड्स। और जो इससे पहले वाला बांधा था वो बटर था, उससे पहले फर्स्ट वाला बांधा था वो भी जॉर्जेट है, ये भी जॉर्जेट है, और बीच वाला सिर्फ बटर था। कभी कभी पता है फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा घाई होता है ना, तो ऐसे लेती हूँ, ये बहुत ही सिंपल है, ऐसे लेती हूँ। जैसे मार्केट वगैरह में जाती हूँ ना, तो ज़्यादा करके ये ऐसी करके चल जाती हूँ, तब मैं ताम झाम नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना ये वाला है ना बहुत जल्दी हो जाता है। ये है मेरा घाई घाई बांधने वाला दुपट्टा, मुझे ये मेरा थर्ड नका। मैं ज़्यादा करके वो जो चुन देते ना, चुन्नट वाले वो वाले बांधती हूँ, और वो बत्तख वाले बांधती हूँ, और ये राउंड वाला बांधती हूँ। बस ये तीन ही टाइप में ज़्यादा करके बांधती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा फोर्थ दुपट्टा और फोर्थ कैप। देखो अगेन मैंने नोज पीस बांधना भूल गई, मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो गई, अल्लाह सॉरी फ्रेंड्स। अभी से मैं पक्का बांध के दिखाऊंगी, सच्ची मेरे दिमाग से निकल जा रहा है, क्या बोलूँ आपको। एक्चुअली मेरे ना दिमाग में थोड़ा सा अलग टेंशन चल रहा है ना, उसकी वजह से मैं बार बार भूल जा रही हूँ, बट अभी नहीं भूलूंगी पक्का। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये है पीच कलर का दुपट्टा, ये है ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कैप, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैं आपको इसे कर करके दिखा रही हूँ, देखो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये है मेरा फोर्थ लुक, आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करना, ये दुपट्टा और मेरा कैप कैसा लग रहा है आप लोग बताओ। और इसके ऊपर मैं बांध लेती हूँ प्लेन वाला नोज पीस, जो कि मैं पता है कहाँ से लाई हूँ, मैं माहिम गई थी ना, माहिम के मेले में, तो वहाँ पे ये ना 30 या 20 रुपए में कुछ मिल रहा था, तब मैंने इसको लिया था। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको बांध लेती हूँ। तो फाइनली मुझे याद रहा नोज पीस बांधने का, मैं सच्ची ना भूल जा रही हूँ फ्रेंड्स, टेंशन की वजह से थोड़ा सा, माफ़ करना प्लीज़। तो ये है मेरा लुक, फाइनल लुक, इस तरीके से रेडी होते हैं और निकल जाते हैं जहाँ भी जाना है हमको। तो कैसा लग रहा है मेरा, ये है मेरा फुल लुक नकाब के साथ। ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा फिफ्थ कैप, जो इसका थोड़ा बहुत कलर यहाँ से निकल चुका है, ये गंदा नहीं हुआ है, पता नहीं ये बहुत जल्दी ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों, बट रखा था तो मैंने सोचा कैप का कलेक्शन दिखा रही थी, इसको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये ना यहाँ पे देखो ना, इतना अच्छा ये लगता है ना, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, बट ये हो गया ना, तो ऐसे सेम एक और लेके आना है मुझे। ऐ देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा फिफ्थ कैप, फिफ्थ दुपट्टा। ये दुपट्टा मतलब लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन दो शेड में दुपट्टा है, और इसको मैंने थोड़ा सा जिस अलग टाइप का लिया है, मतलब कुछ यहाँ पे पिन लगाया है और इसको ऐसे आगे से कवर कर लिया है। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये वाला दुपट्टा और कैप, कमेंट करना। और मैंने ये तीन लेकर आई थी, तो ये फिर दिखाने का कोई मतलब नहीं, फिर इसको मैं साइड में रख देती हूँ नोज पीस को। आप लोग को मैं ये वाला दिखाती हूँ, क्वीन का नोज पीस, सही बोलो तो ये वाला है ना, इस तरीके का नोज पीस मैं भी अभी खुद फर्स्ट टाइम बांधने जा रही हूँ, वो भी आप लोग के सामने। तो ये ऐसे बांधते हैं, ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा नोज पीस कैप और ये है दुपट्टा, इस टाइप का नोज पीस मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, कैसा लग रहा है आप बताना। क्वीन का नोज पीस है, ये मेरी बहन का कलेक्शन है, ये वाला मेरा नहीं है, मैं नहीं बांधती, मैं सादा ही बांधती हूँ नोज पीस। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ये वाला बताना, ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, आइज दिखेगी, हाँ परफेक्ट है। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा सिक्स कैप, जो कि दो कलर में है, गोल्डन है और ब्लैक है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये इस तरीके का, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेना, ये टू शेड में है, बहुत अच्छा लग रहा है,
बहुत अच्छा लग रहा है, ये पीछे और जाएगा तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है मेरा 6 कैप और ब्लैक कलर का दुपट्टा, जो कि ये दुपट्टा साटिन का है। आपने मेरे एक ब्लॉग में देखा भी होगा, मैं बांध के गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, तभी इसको मैंने बांधा था। ये देखो फ्रेंड्स, ये दुपट्टा मैंने बांध लिया है। और एक बात बताती फ्रेंड्स, मेरे पास है ना नोज पीस है ना ब्लैक में बहुत ज़्यादा है, तो फिर बार बार वही ब्लैक दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखो, ये एक ये वाला ब्लैक है, ये वाला दूसरा है, और ये देख सकते हो फ्रेंड्स ये वाला एक ब्लैक है। ऐसा लग रहा है आप कमेंट करना, ठीक है बार बार ये ब्लैक क्या दिखाऊँ, बस आप लोग को ऐसे ही दिखा दूँगी। देखो ये वाला एक ब्लैक है, और इससे पहले ये भी एक ब्लैक था, तो मैंने इसको साइड कर दिया कि मैंने सोचा कि बार बार आप लोग को ब्लैक दिखाऊंगी तो आप लोग बोलोगे कि एक ही नोज पीस ये बार बार दिखा रही है, तो ये उल्टा है। ये एक ब्लैक, ये है एक ब्लैक, ये है एक ब्लैक। तो ये साटिन वाला दुपट्टा आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और मैं अभी जितने भी पहनूंगी उसमें से आप लोग बताना आपको कौन सा दुपट्टा क्या अच्छा लगा। अब बांधने में मुझे पता है थोड़ा भी गड़बड़ होगा, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बांध के सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओके, ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा 7 कैप जो कि पिंक कलर में है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसको तो मैंने अभी तक के लगाया भी नहीं है, और वही डिज़ाइन है जो मैं आप लोग को दिखाई थी ना, जो गंदा सा दिख रहा था वही डिज़ाइन है ये वाला, पर ये पिंक कलर है, वो ब्लैक था। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत प्यारा लग रहा है ये कैप, और इसके ऊपर मैंने ये है ब्लैक दुपट्टा लिया है जो कि हमने मुंबई से ही लाया है। इसमें ज़्यादा करके देखा जाए फ्रेंड्स, हमने मुंबई से ही लिया है सारा। तो ये है इसके ऊपर दुपट्टा, ये है ब्लैक कलर का दुपट्टा, पिंक कलर का कैप, और इसके ऊपर मैं ये वाला नोज पीस बांधूंगी फ्लावर वाला। ये देखो फ्रेंड्स, ये है नोज पीस, और इसमें देखा जाए तो फ्रेंड्स कैप पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले डिज़ाइन की वजह से ना ये कैप पूरा छुप जाता है। तो जब ये वाला नोज पीस पहनो तो कैप मत पहनो। है मेरा फुल लुक, कैसा लग रहा है कमेंट करना। ये है मेरा 8 कैप जो कि शिमरी है, गोल्डन है, इसमें मतलब क्या बोलते हैं मल्टी कलर देखो शाइन कर रहा होगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा दुपट्टा रेड और मल्टी कलर का कैप, कैसा लग रहा है कमेंट करना। इस पर तो सादा ही नोज पीस बांधो तो अच्छा लगेगा, बट ये वाला नोज पीस आप लोगों को दिखाना है इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये है नोज पीस, ब्लैक कलर का है, कैसा लग रहा है, इसको बांधूंगी नहीं ऐसे आप लोगों को दिखा रही हूँ, कैसा लग रहा है आप लोग बताना। ये देखो फ्रेंड्स, सादा वाला मैंने बांधा है, इसके ऊपर सादा वाला ही अच्छा लगेगा, वो वाला नहीं अच्छा लगेगा। तो अगर आप इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन करते हो तो प्लीज़ ऐसे करना, ठीक है। ये है मेरा 9 कैप, ये 2 शेड में है फ्रेंड्स। ये वाले कैप को आपने मेरे को बांधते हुए कई दफ़ा देखा होगा, कहीं आती हूँ जाती हूँ तब बांध लेती हूँ। और इसके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा लिया है, ये है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का दुपट्टा। ये देखो फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का दुपट्टा, ब्लैक कलर का कैप, और इसके ऊपर अगेन एक और ब्लैक कलर का नोज पीस निकला है। तो ये देख लो फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ये वाला नोज पीस है, इसके ऊपर अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करना। ये वाला कैप और दुपट्टा कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग बताओ। हमें तो अच्छा लग रहा है इसलिए हमारे पास है, आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा वो भी बताना, ठीक है। ये है मेरा 10 कैप जो कि 10 है और काफ़ी अलग तरीके से है, इसको इस तरीके से पहनते हैं, ये वाला तो ये पूरा ऐसा नीचे चला जाएगा, ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो बिल्कुल तामझाम वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये है 10 नकाब, बहुत ही अलग तरीके से कैप के साथ। इसमें आप फ्रेंड्स यहाँ पे ना चुन्नटे दोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। 10 नकाब
कुछ अलग तरीके से कैसा लग रहा है ये वाला टाइम, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मैं ये चीज़ को कवर करती हूँ ना तो ये कैप के ज़रिए पूरा कवर हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है। दुपट्टे से ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये चीज़ तो कवर हो गया, तो आप सिंपल भी दुपट्टा बांध लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये आप पीछे भी कर सकते हो, मेरा कुछ ज़्यादा ही आगे हो गया था, इस तरीके से पीछे भी कर सकते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा कमेंट करना, ठीक है। ये है 11वां कैप जो कि पूरा नेट का है और गोल्डन कलर का है और इस पर शाइनिंग पर्पल कलर का भी थोड़ा सा हल्का सा आ रहा है, आपको कैमरे पे नहीं समझेगा, ये पूरा गोल्डन है। और सही बोलूँ तो नोज़ पीस का ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, ज़्यादा करके ब्लैक का है इसलिए मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं। यहाँ पे देखो रखा है ये भी एक, ये टू शेड में है, ये है ब्लैक आगे से, हम दोनों तरफ से बांध सकते हैं, इधर से भी ब्लैक तरफ से भी बांध सकते हैं और ये पर्पल की तरफ से भी बांध सकते हैं, तो ये टू शेड में ये नोज़ पीस है। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा 11वां, कैसा लग रहा फ्रेंड्स ये वाला नोज़ पीस, और इसमें दो काम हो जाता है दो कलर के साथ, तो काफ़ी अच्छा है ये। आप लोग बताओ कैसा लगा ये वाला नोज पीस दुपट्टा कैप। ये देखो फ्रेंड्स, ये है मेरा 12वां कैप, यानी कि आखिरी कैप है ये। वैसे तो और भी दो कैप इधर पड़े हुए हैं बट ये राउंड वाले हैं जो कि मैंने आपको पहले भी एक दिखाया है, राउंड वाले हमारे पास तीन कैप है तो इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, सेम कैप है, यानी कि 12, 13, 14 कैप है हमारे पास। ये कैप मेरा फाइनल हो चुका है, तो ये अभी न्यू निकाला है मैंने, इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है हमने, तो अभी मैंने पन्नी से निकाला, गोल्डन कलर का है और ग्रीन शाइन आ रहा है, मतलब इसके अंदर मल्टी कलर शाइनिंग आ रहा है देखो फ्रेंड्स। और हम लोग पता है रात में कितने बजे सोए थे, रात में वीडियो बनाई 2:30 बजे तक के, और फिर उसके बाद मुमताज़ मेरी इस वाले हाथ पे मेहंदी लगाई, जिस हाथ में आपको मेहंदी दिख रही है, लगाना तो दोनों हाथ में मेहंदी था बट 3:30 हो चुका था और फिर सुबह जल्दी भी उठना था फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने उसको बोला जाने दे एक ही हाथ में लगा दे फिर देखेंगे कभी, तो फिर इसीलिए एक हाथ में हुआ और पैर में तो दोनों पैर में लग चुकी है मेहंदी, सिर्फ हाथ में ही लगा था, और किस खुशी में मेहंदी लगी है आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हो मेरा फाइनल लुक विद दुपट्टा, अभी देखा जाए तो मेरे पास ज़्यादा करके अभी ब्लैक ही नोज पीस बचा है फ्रेंड्स, तो ये है ब्लैक कलर का नोज पीस, इसीलिए मैं आपको यही दिखा रही हूँ क्योंकि अभी ब्लैक बचा है इसीलिए। तो ये देख सकते हो ये है फ्रेंड्स मेरा फाइनल लुक विथ नोज पीस, कैसा लग रहा है फ्रेंड्स ये वाला, ये इसके साथ सादा ही बना तब ये डिज़ाइन दिखेगा कैसा लग रहा है फ्रेंड्स कमेंट करो जल्दी जल्दी। सॉरी फ्रेंड्स, अब तो कैप का जितना भी था कलेक्शन मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं ये वाला ही कैप अगेन आपको बांध के, जो अभी दो दुपट्टे बचे हैं, तीन दुपट्टे, दो ही दिखाऊंगी बांध के, एक मैं आपको ऐसे दिखा दूंगी, तो जो दो दुपट्टे हैं मैं आपको इसी पे बांध के दिखा देती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये वाला एक दुपट्टा है नेट का कैप और लाइट पर्पल दुपट्टा, कैसा लग रहा है फ्रेंड्स ये वाला बताओ आप लोग। ये है मेरा फाइनल दुपट्टा, अब बाकी और भी बहुत सारे दुपट्टा है वो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ क्योंकि मेरे को ना कहीं जाना है तो मुझे जल्दी जल्दी ये वीडियो को कंप्लीट करना है। तो ये है मेरा लास्ट दुपट्टा, ये वाला ब्लू कलर का है फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है अब बताओ, ठीक है। और नोज़ पीस दो बज गए फ्रेंड्स, ये मेरा वो जो पिंक कलर का नकाब है उसका ये नोज़ पीस है, तो ये वाला एक नोज़ पीस है फ्रेंड्स। आपको मेरा कैसा लगा दुपट्टा, और एक ये भी दुपट्टा था फ्रेंड्स बट मेरे पास इतना टाइम नहीं इसलिए मैं इसको नहीं दिखा सकती, तो इसको मैं साइड में ही रहने देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा कैसा लगा कैप, नोज़ पीस और दुपट्टा का कलेक्शन, अगर आपको इनमें से कोई भी दुपट्टा, कैप और नोज़ पीस अच्छा लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना कि मुझे ये वाला अच्छा लगा और मेरे पे सूट कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताना, और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है वो भी बताना, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खूब सारा सपोर्ट करो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को फिर से बोल रही हूँ, और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ तो दिखाने भूल गई, इतना सारा तामझाम मैंने किया है तो उतना ही मुझे काम भी करना है, तामझाम के साथ मुझे काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पसारा। ए देखो फ्रेंड्स, इतना मैंने तामझाम किया है, साथ में नीचे देखो कितना सारा दुपट्टा सारा फैला के इधर रखी हूँ, इधर पूरा दुपट्टा फैला है, इधर सारे नोज पीस रखी हूँ। अभी इसको घड़ी करना है, सबसे पहले जाऊँगी नीचे का काम करूँगी, फिर ऊपर आऊँगी ऊपर का करने के लिए, और ऊपर का सारा घर अभी क्लीन करूँगी, और फिर अभी कहाँ जा रही हूँ आप लोग को बताऊँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करना मेरा दुपट्टा कैप और नोज पीस का कलेक्शन कैसा लगा। ये सिर्फ एक का नहीं है, हम चारों का है, तो आप लोग मत सोचना कि सिर्फ मेरा है, ऐसा नहीं है, मतलब दोनों सिस्टर्स का है, मम्मी का है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।